हेलो हेलो, मैं ऑडिबल बोल रहा हूँ। हेलो, अभी देखो तो आवाज कैसे आ रहा है, ठीक से आ रहा है? हेलो दीपक, आवाज ठीक से आ रहा है? हेलो नो सर, अमन, आवाज आ रहा है ठीक से? अभी नो सर, आया सर। हाँ सर, ओके ओके, अभी ठीक आ जाएगा। ठीक अभी है, आया सर। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आज तुम लोग सिलेबस देख रहे हो? आज से तुम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब स्टार्ट होने वाला है, BSc 101 की। और तुम लोग के ग्रुप में अभी इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल हो, राइट? हेलो, यस सर, यस ओके सर। ओके। तो आज से हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब स्टार्ट होने वाला है। और आज एक्सपेरिमेंट वन जो बेसिक इलेक्ट्रिकल BSc 101 P में है, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो एक्सपेरिमेंट वन में पहले क्या बोला गया है, बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन। तो पहले हम लोग बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन इलेक्ट्रिकल लैब में बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग क्या क्या फॉलो करेंगे। ओके, क्या क्या फॉलो करेंगे तुम लोग खुद से बताओ, क्या क्या फॉलो करना चाहिए। जैसे पहला जो सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग फॉलो करेंगे, कुछ रूल मैं बताऊंगा बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन का। उसके बाद देखो, इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वोल्टमीटर, एमीटर, मल्टीमीटर, ऑसिलोस्कोप, रियल लाइफ रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इसको हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे और एप्लीकेशन इसको हम लोग देखेंगे। पहले सेफ्टी प्रिकॉशन में बता देता हूँ, ठीक है? तो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होना चाहिए? जैसे पहला सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रिकल लैब में जो तुम लोग मान लो सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, तो उधर पर बहुत नेकेड वायर रहता है, नेकेड टर्मिनल रहता है, उसको यू शुड नॉट टच दिस, ठीक है? तो इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट को टच नहीं करना है, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है? रूल नंबर टू क्या है इलेक्ट्रिकल बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन में, ट्रीट ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस एज दे इफ दे आर लाइव और एनर्जाइज्ड। जैसे तुम लोग मान लो जानते नहीं हो कि कौन सा एनर्जाइज्ड है या नहीं है कौन सा सर्किट, तो उसको टच नहीं करना है, पहले उसको सप्लाई देखना है। जब सप्लाई ऑफ रहेगा तभी उसको टच करना है, और अगर सर्किट डिजाइन करना है तभी पहले देखना है सप्लाई ऑन या ऑफ है। अगर सप्लाई ऑफ रहेगा सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद उसको टच करेंगे या सर्किट डिजाइन करेंगे। ओके, जहाँ पर समझने में प्रॉब्लम होगा हम लोग पूछ लेंगे। ओके, रूल नंबर थ्री क्या है बेसिक, हम लोग क्या है बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन में, तो बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन में रूल नंबर थ्री, डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स बिफोर चार्जिंग और रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक और डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मैंने क्या बोला था रूल नंबर टू में, उसी को बोला गया है कि जब हम लोग कोई डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट करेंगे बिफोर डिजाइनिंग द सर्किट। ओके, सर जोर से बोलिए ना सर, लाउडली वॉइस नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, देखो अभी ठीक से आएगा। रूल नंबर फोर सेफ्टी प्रिकॉशन का रूल नंबर फोर क्या है, यूज ओनली टूल्स एंड इक्विपमेंट विथ नॉन कंडक्टिंग हैंडल्स, ठीक है? तुम लोग जो जो भी टूल के साथ टच करोगे सर्किट को, उसका नॉन कंडक्टिंग हैंडल होना चाहिए, एक इंसुलेटर होना चाहिए इसके मतलब है, ठीक है? हेलो सर, हेलो। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ सर, आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है सर, और ना ही कुछ समझ आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, आवाज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? ठीक है, अभी देखो ठीक से आएगा। हेलो, अभी ठीक से आ रहा है? हेलो, बीच बीच में सही हो जाता है सर। हाँ वो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, मैंने कोशिश कर रहा हूँ पहले से, ठीक है? मैं पहले से बता देता हूँ। ओके, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक सेफ्टी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर, आवाज ही नहीं आ रहा है।
हेलो, अभी देखो ठीक है। हाँ नो सर, अभी देखो धीरे धीरे ठीक हो सर थोड़ा कस जाएगा, के बोलिए। ठीक है। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल है, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं जो बता तुम लोगों का किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रहा है। दशरथ मंडल, ओके। मैं पहले इससे बता देता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक का बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन। तो इलेक्ट्रिकल लैब में बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग क्या क्या फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं पहले से बता देता हूँ, नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल था, ठीक है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग क्या क्या फॉलो करेंगे, तो कुछ रूल हम लोग फॉलो करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए। पहला रूल क्या है, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल जब लोग तुम लोग पैरेलल सर्किट डिजाइन करोगे, तो नेकेड नेकेड पोर्शन रहता है वायर वायर का, या नहीं तो टर्मिनल में कुछ नेकेड पार्ट रहता है, उसको हम लोग अवॉइड कॉन्टेक्ट, उसको हम लोग कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद एनर्जेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, ट्रीट ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस एज इफ दे आर लाइव और एनर्जाइज। हम लोग अगर एक सर्किट में जाएंगे, उसको अगर हम लोग नहीं जानते उसको लाइव वो एनर्जाइज है कि नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग उसको सप्लाई को ऑफ करेंगे। माने क्या बोल रहा है कि ट्रीट ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस एज इफ दे आर लाइव और एनर्जाइज। तुम्हें पहले सबको एनर्जाइज एनर्जाइज उसको पकड़ना है, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते उसमें सप्लाई है या नहीं है, ठीक है। उसको जाकर टच नहीं करना है। रूल नंबर थ्री क्या है, रूल नंबर थ्री, डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स बिफोर सर्विसिंग और रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कोई भी अगर पावर सोर्स अगर तुम सर्किट डिजाइन करोगे, सर्किट डिजाइन करने के लिए जा रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो पावर सोर्स को पहले देख लेना है। पावर सोर्स अगर ऑफ करके उसके बाद ही डिस्कनेक्ट करके पावर सोर्स को, उसके बाद ही सर्किट डिजाइन करना है, ठीक है। और जब तुम लोग, और रूल नंबर नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है, अगर तुम लोग कुछ सर्किट डिजाइन करोगे, उसके बाद उसको सप्लाई नहीं दोगे, कोई भी तुम इलेक्ट्रिकल लाइन में कुछ कनेक्शन करोगे, ये सर्किट डिजाइन करोगे, तो तुम लोग कनेक्शन करोगे एज पर मैनुअल और एज पर गिवन द सर्किट डायग्राम बाई टीचर, बट तुम लोग उसको सप्लाई नहीं दोगे। जो लैब इंस्ट्रक्टर या लैब का टीचर रहेगा, उससे एक बार वेरीफाई करा लोगे, उसके बाद उसको सप्लाई दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल क्या है, और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट रूल है, इफ वाटर और केमिकल इज स्पिल्ड ऑन टू इक्विपमेंट्स शॉर्ट ऑफ पावर एंड मेन स्विच और सर्किट ब्रेकर एंड अनप्लग द इक्विपमेंट। अगर कोई केमिकल या वाटर अगर कोई इक्विपमेंट में गिर गया, तो क्या करना है, उसको शट ऑफ करना देना है, ठीक है। उसको पावर सप्लाई को कट कर देना है, ठीक है। और स्विच रहेगा तो स्विच को बंद कर देना है, एनसीबी रहेगा तो उसको ऑफ कर देना है। कोई भी केमिकल और वाटर अगर कोई इक्विपमेंट के ऊपर गिर गिर जाएगा तो, ठीक है। और नेक्स्ट रूल क्या है, तुम लोग जब लैब में जाओगे तो तुम लोग प्रॉपर शू पहन के जाओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल लैब में तुम लोग जाओगे सर, प्रॉपर शू पहन के जाओगे, ओके। और इफ एंड नेक्स्ट रूल क्या है, सेफ्टी की कुछ सेफ्टी क्वेश्चन में, इफ एन इंडिविजुअल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ए लाइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, डू नॉट टच द इक्विपमेंट कॉर्ड और पर्सन, डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स। अगर तुम लोग का कोई दोस्त अगर इंडिविजुअल कोई कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ए लाइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कोई अगर किसी को अगर लाइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से टच कांटेक्ट में आ गया, तो फर्स्ट क्या करना है, उसको टच नहीं करना है, ना तो सर्किट को टच करना है, ना तो वायर को टच करना है, पहले पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है, ओके, सर्किट से। और कोई भी लैब में कोई भी नेवर टच द, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है,
never touch the another person's equipment or electrical control device unless instructed by them. कोई भी इक्विपमेंट को टच नहीं करना है, ठीक है? अनलेस द इंस्ट्रक्टर टू डू सो, ओके? सर तभी से स्क्रीन में वही शो कर रहा है सर, दूसरा ये मतलब शो ही नहीं कर रहा है जो आप बोल रहे हो। नहीं नहीं मैं जो बोल रहा हूँ मैं बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन बता रहा हूँ, ये स्क्रीन में नेगेटिविटी में नहीं है, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? उसको बोलने के बाद में सेकेंड टाइम से स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन मैं जो बता रहा हूँ उसको तुम लोग फॉलो करो, ओके सर? ओके नहीं है, ठीक है? और तुम लोग बताओ और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग को फॉलो करना है। और एक चीज जैसे डू नॉट स्टोर हाई फ्लेम में लिक्विड नियर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई हाई फ्लेम में लिक्विड पेट्रोल हो गया केरोसिन हो गया उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के नियर में स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है? और क्या हम लोग सेफ्टी क्वेश्चन लेकर करके तुम लोग बताओ। ठीक है बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है मैंने जो चीज बताया, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन तुम लोग मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग लैब में यूज करते हैं। जैसे हम लोग वोल्टेज को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं वोल्टमीटर, ठीक है? तो माने व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टमीटर, ए वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है? तो वोल्टेज को हम लोग वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। और वोल्टमीटर कितना टाइप का होता है, वोल्टमीटर हम लोग वोल्टमीटर से हम लोग तुम लोग जानते हो हम लोग एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और डीसी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। तुम लोग देखो जो स्क्रीन पे जो वोल्टमीटर देख पा रहे हैं ये कौन सा वोल्टमीटर है, ये एक एनालॉग वोल्टमीटर है, ठीक है? और ये कौन सा वोल्टेज मेजर करेगा, एसी वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है? मैं कैसे बता ये एसी वोल्टेज मेजर करेगा, देखो पहले हम लोग कैसे पता चलेगा कोई मीटर वोल्टेज मेजर करेगा या नहीं, पहले देखो उधर पर एक बी साइन है, ठीक है? तो बी साइन है हम लोग इससे पता चलेगा ये वोल्टमीटर, मगर एसी या डीसी इससे कैसे पता चलेगा ये एसी करंट मेजर करेगा या डीसी करंट मेजर करेगा। तो वोल्ट जो वी साइन है, वी साइन के नीचे देखो वेव की तरह बना हुआ है, ठीक है? ये साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि साइन वेव में क्या होता है, साइन वेव फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है, ठीक है? कॉन्स्टेंट नहीं होता है, तो ये साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? इसमें हम लोग एसी करंट को मेजर कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ये एनालॉग वोल्टमीटर है, ठीक है? ये एनालॉग वोल्टमीटर क्या होता है, एक नीडल रहता है और एक स्केल रहता है, ठीक है? और वोल्टेज जितना हम लोग को सर्किट में होगा ये नीडल मूव करके उसको शो करेगा उस स्केल में। देखो इधर पर एक स्केल दिया हुआ है 0 to 300 रेंज में अगर वोल्टेज इस रेंज में रहेगा तो ये मिडिल क्या करेगा, उसी रेंज में जाके उसको उस रीडिंग को शो करेगा। मतलब एक स्केल दिया हुआ है, एक मिडिल है, ठीक है? ये एनालॉग है, जैसे हम लोग घर में घड़ी रहता है एनालॉग और डिजिटल रहता है, उसी तरीके से ये हम लोग क्या है, मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, एसी वोल्टमीटर, एनालॉग एसी वोल्टमीटर, ठीक है? इसके बाद तुम लोग देख पा रहे हो कि ये भी एक वोल्टमीटर है, ठीक है? कैसे पता चला वोल्टमीटर है, देखो बी साइन है, ये डिजिटल वोल्टमीटर है, ठीक है? अभी तुम लोग मुझे बताओ ये एसी करंट मेजर करेगा, ये एसी वोल्टेज मेजर करेगा या डीसी वोल्टेज मेजर करेगा? डीसी सर। कैसे पता चला डीसी मेजर करेगा सर, लिखा हुआ डीसी वोल्टमीटर। और सर वी के नीचे एक स्ट्रेट लाइन भी है। यस, वी के नीचे अगर कोई अगर yes, sir, straight. किसी का माइक ऑन है, अगर वी के नीचे तक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो डीसी करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये
कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये डीसी, ये डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा। ओके, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है। ओके, उसके बाद एमीटर, ठीक है। सो एमीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो एमीटर से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मीटर में देखो, इस मीटर में हम लोग कैसे पता चले कि ये एमीटर है, क्योंकि ई का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इसको देख के पता चल गया कि ये एमीटर है, इससे हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। और ये हम कौन सी पढ़ा रहे हैं? हेलो, हम कौन सी पढ़ा है? सीएलसी सीएलसी पढ़ेगा। हेलो, हमें ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ओके। तो स्क्रीन पे जो मीटर तुम लोग देख पा रहे हो, तुम लोग मैं जो बता रहा हूँ ठीक से देख लो, मैं लास्ट में भाई भाई लूंगा। ओके, सो स्क्रीन पे देखो एक मीटर दिख रहा है, ये क्या है? एमीटर, ठीक है। एमीटर इज ए मेजरिंग डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो एमीटर तुम लोग देख पा रहे हो, एसी करंट या डीसी करंट कौन सा मेजर करेगा, कैसे पता चलेगा? देखो एमीटर का जो साइन है ए है, इससे हम लोग पता चल गया एमीटर। अगर उसका नीचे देखो एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम इससे इससे हम लोग बोल सकते हैं ये डीसी करंट को मेजर करेगा, ठीक है। ओके, और ये कौन सा स्केल में है? देखो एक एनालॉग एमीटर है, ठीक है। ये 0 to 50 का स्केल में है, 0 to 50 एम्पियर के बीच में अगर सर्किट में करंट ये मेजर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो एमीटर, देखो ये भी एक एमीटर है, डिजिटल एमीटर है। और डिजिटल एमीटर है, तुम लोग बताओ इसका अगर कोई एसी करंट मेजर करे या डीसी करंट मेजर करेगा, इसमें कैसे पता चलेगा? मान लो ये लिखा नहीं है एसी, सर कैसे पता चला? देखो ए का नीचे एक वेव बना हुआ है, ठीक है, जो साइन ए का नीचे में साइन बनाया हुआ सर। यस, तो ये ए का नीचे में जो साइन बनाया हुआ सर वो एसी होना बताया अभी, ठीक है। तो एसी का नीचे एक वेव की तरह बना हुआ है, ठीक है। तो ये एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये एमीटर है, तो एसी करंट को मेजर करेगा। और ये एक डिजिटल एमीटर, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जान दिए कि हम लोग करंट को वोल्टमीटर से और करंट को एमीटर से और वोल्टेज को वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो लैब में यूज होता है, ये देखो एक मल्टीमीटर, ठीक है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ए मल्टीमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर मल्टीपल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ए टिपिकल मल्टीमीटर कैन मेजर वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट, इन व्हिच केस इट इज आल्सो नोन एज वोल्ट ओहो मिलीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर इज अ माइक्रोमीटर विद अ मूविंग पॉइंटर टू डिस्प्ले द रीडिंग। तो हम लोग जो पहले देखे हैं, एमीटर से हम लोग करंट और वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, मगर मल्टीमीटर में मल्टीमीटर के यूज से हम लोग वेरियस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। लाइक हम लोग एक ही मीटर से, मल्टीमीटर से, ये जो मल्टीमीटर इसका हेल्प से हम लोग एसी करंट को मेजर कर सकते हैं और डीसी करंट को भी मेजर कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, और हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इससे फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग एक ही डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे तुम लोग देख पा रहे हो, ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है, ठीक है। ऊपर में देखो, मल्टीमीटर के ऊपर में डिस्प्ले है, ठीक है। और नीचे उसका ठीक नीचे देखो फंक्शनल स्विच है, और मल्टीमीटर के बीच में देखो, मिडिल में देखो एक रेगुलेटर टाइप स्विच दिया गया है। तो इसको एडजस्ट करके हम लोग मान लो करंट मेजर करेंगे, तो उस स्विच को जस्ट लाइक फैन का जो रेगुलेटर होता है, ठीक है, उसी तरीके का स्विच है, उसको रेगुलेट करके हम लोग जिस रेंज में हम लोग करंट को मेजर करेंगे या जिस रेंज में हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे, उस रेंज में हम लोग
उस रोटेटिंग नॉब को लेके जाएंगे, रोटेटिंग स्विच को लेके जाएंगे और उस वैल्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मगर इनपुट जैक क्या है, सॉरी बोलो, इनपुट जैक क्या है यहाँ? यस मैं बता रहा हूँ, पहले तो तुम लोग डायल देख लिए हो, डिस्प्ले बटन, फंक्शनिंग बटन और डायल। डायल तो हम लोग एडजस्ट करते हैं, उसी रेंज में हम लोग उस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, तो करंट हो सकता है, वोल्टेज। नीचे देखो, बॉटम में देखो, मल्टीमीटर का इनपुट जैक्स है, ठीक है। इनपुट जैक्स में देखो फोर टर्मिनल है, ठीक है। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट टर्मिनल के ऊपर लिखा है ए। लेफ्ट हैंड साइड से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्मिनल दिया हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो पहला जो टर्मिनल है रेड कलर का, उसके ऊपर लिखा है ए, ए फॉर एमीटर करंट। उसके बगल में देखो और एक सेकंड टर्मिनल, लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड टर्मिनल, उसके ऊपर लिखा है न्यू एम, ठीक है, एम ए लिखा है, मिली एम्पियर। जो थर्ड टर्मिनल है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर लिखा है कॉमन, ठीक है। तो पहला तो टर्मिनल से हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं, ए ए फॉर एमीटर, ठीक है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम ए मिली एम्पियर में हम लोग करंट का अगर मेजर करना होगा वैल्यू को, उसके जो थर्ड टर्मिनल वो क्या है, कॉमन, कॉमन मतलब कॉमन टर्मिनल है, ये कॉमन रहेगा सब में। और लास्ट में देखो जो टर्मिनल है, जिस टर्मिनल से इनपुट जैक्स का इंडिकेशन गया है, उसमें देखो वी लिखा है। तो ये चार टर्मिनल क्यों दिया गया है, मल्टीमीटर से हम लोग जब भी हम लोग कुछ मेजर करेंगे तो उसमें डिवाइस से दो टर्मिनल डिवाइस का आउटपुट से जाएगा, ठीक है। तो दो टर्मिनल के बीच में जो थर्ड टर्मिनल है कॉमन, ये सब में कॉमन रहेगा। ये ब्लैक कलर का जो टर्मिनल है थर्ड नंबर में लेफ्ट हैंड साइड से, ये कॉमन रहेगा। तो एक टर्मिनल तो फिक्स्ड हो गया, और दूसरा टर्मिनल जब मान लो हम लोगों को करंट मेजर करना होगा, तो एक जैक को तो कॉमन में चला गया, दूसरा जैक को मैंने पहला तो जो टर्मिनल है जो ए और एम ए, कोई भी एक में हम लोग उसको इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट रीडिंग। तो हम लोग अगर मान लो करंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो हम लोग ए में उसको इंसर्ट करेंगे जैक को, सेकंड जैक को। अगर करंट का वैल्यू हम लोग बहुत कम करंट मेजर करना होगा, मिली एम्पीयर पे, माइक्रो एम्पीयर पे, तो हम लोग उसको सेकंड टर्मिनल में इनपुट करेंगे, और लास्ट में देखो जो टर्मिनल है उसको हम लोग वी लिखा है, वी फॉर वोल्टेज। जब हम लोग वोल्टेज मेजर करना होगा तो सेकंड टर्मिनल को उस फोर्थ जो टर्मिनल है लेफ्ट हैंड साइड से, उसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी के टर्मिनल को कॉमन, कॉमन मतलब ये सब में कॉमन रहेगा, ठीक है, टर्मिनल, ठीक है। तो मल्टीमीटर से हम लोग वेरियस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक ही इंस्ट्रूमेंट से और डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं अगर उसका फंक्शन दिया रहेगा तो, ठीक है। अभी देखो एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये एक एनालॉग मल्टीमीटर है, ठीक है, ठीक है, ये एनालॉग मल्टीमीटर है। पहले तुम लोग देखे हो डिजिटल मल्टीमीटर, ये भी एनालॉग मल्टीमीटर है, और इसमें देखो 5 to 6, 7, 8 टाइप का स्केल दिया गया है। सिमिलरली ये एक पॉइंटर है जस्ट लाइक क्लॉक, एंड इसको ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। और सिमिलरली एक डायल दिया गया है, एक रेगुलेटर लाइक स्विच दिया गया है, जिसको हम लोग रोटेट करके स्पेसिफिक रेंज में हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। जैसे तुम लोग देख पा रहे हो कि जो डायल है, डायल के ऊपर जो रोटेटिंग डायल है उसके ऊपर देखो ऑफ पोल पे एक स्विच है, आई होप तुम लोग देख पा रहे हो। उसके राइट हैंड साइड में देखो एसी भी लेता है, एसी वोल्टेज का साइन दिया गया है अप टू, एसी वोल्टेज का साइन दिया गया है। अगर जूम का टाइम लिमिट खत्म हो गया तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, ओके, जब तक मैं ना बोलूं तब तक क्लास ऑफ नहीं होगा। उसके बाद देखो एसी वोल्टेज हम लोग देख पा रहे हो, ऑफ का देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो डीसी वोल्टेज का रेंज दिया हुआ है,
0.1 to 1000, तो इस रेंज में हम लोग अगर इस रेगुलेटर को नॉब को एडजस्ट करके हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। जैसे मान लो ये जो एनालॉग मल्टीमीटर है ये 0 to 1000 DC वोल्टेज मेजर करने में कैपेबल है। तो मान लो मुझे रीडिंग लेना है, मैं एक सर्किट में सर्किट का वोल्टेज हमें मेजर करना है, मान लो उसका वोल्टेज है मैक्सिमम 220 तक आएगा, तो हम लोग इसको 250 का रेंज में ले सकते हैं, 1000 का भी रेंज में ले सकते हैं, मगर 50 का रेंज में नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर 0 to 50 रेंज में लेंगे तब मुझे 220 वोल्ट जो सर्किट में आ रहा है, कोई भी सर्किट पर वोल्टेज मेजर करना होगा, तो मुझे अगर 0 to 50 में हम लोग डायल को रखेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। मतलब जो रेंज में हम लोग को रीडिंग लेना है उससे ज्यादा रेंज में मल्टीमीटर का जो डायल है इसको सेट करना है। ओके, और सिमिलर लाइक ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों फिर से रिपीट कर दीजिएगा। ओके, जैसे मान लो मैं बोला हूँ कि तुम उस सर्किट का वोल्टेज मेजर करके लाओ, उस सर्किट में मैक्सिमम मान लो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज मैंने बोला एक सर्किट में कोई एक्सपेरिमेंट के सर्किट में मैंने बोला कि तुम उसमें सप्लाई वोल्टेज कितना आ रहा है उसको मेजर करके लाओ, मैं तुम्हें एक मल्टीमीटर दे दिया, ये मल्टीमीटर को मैंने तुम्हें दे दिया, तो तुम क्या करोगे, तुम अगर जाके मैंने तो बोल दिया सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम 200 से 220 तक आएगा, तुम देखो इस डायल को इंक्रीज करके तुम देखो ऑफ का जो ऑफ पोल की इंडिकेटर है उसका राइट हैंड साइड में देखो डीसी वोल्टेज लिखा है और 0 से 1000 तक वोल्टेज को इंडिकेट किया है राइट हैंड साइड में, डीसी वोल्टेज जो लिखा है नीचे स्ट्रेट लाइन गया है, उसमें अगर तुम्हें डायल को 250 में रखना हो, अगर डायल को तुम 250 में रखोगे तो उसका 0 to 250 तक कोई भी रेंज में कितना वैल्यू आएगा सर्किट में शो करने में कैपेबल होगा। अगर तुम 50 में रखोगे डायल को, 0 to 50 का रेंज में रखोगे, 50 में सेट करोगे, तो जो रीडिंग आएगा वो तो नहीं शो कर पाएगा, मतलब उसका तुम 0 to 50 का रेंज में सेट कर दिए मल्टीमीटर को, और तुम्हारा आउटपुट में कितना आ रहा है, तो मेजर कितना करने गया हो, तो मेजर करने गया हो 200 वोल्ट, वो तो नहीं शो करेगा। मान लो मैं एक डिजिटल वेट मशीन लाया हूँ, ठीक है, एक डिजिटल वेट मशीन लाया हूँ, और डिजिटल वेट मशीन कैपेबल है 0 to 30 kg वेट दिखाने में, मतलब 0 to 30 kg के ऊपर 30 kg के अंदर कोई भी सामान उसके ऊपर रख दोगे तो वो रीडिंग शो करेगा। मगर मैं एक 50 किलो का कोई सामान ला के उसके ऊपर रख दो तो शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो मीटर कैपेबल है 0 to 30 kg वैल्यू को शो करने के लिए, उसके अंदर वैल्यू को शो करने के लिए। सिमिलरली अगर इसमें शो करना है तो रेंज को इंक्रीज या इंक्रीज करना होगा। अगर मान लो तुम्हें एक सप्लाई वोल्टेज को मेजर करना है, मान लो सप्लाई वोल्टेज 300 वोल्ट डीसी वोल्टेज, तो उसको तुम 250 का रेंज में नहीं मेजर कर पाओगे, उसको मेजर करने के लिए तुम्हें डायल को 1000 का रेंज में रखना है। अगर 1000 स्केल को 1000 का रेंज में रखोगे तो उसके 0 to 1000 के बीच में जितना भी रीडिंग होगा, जितना भी वोल्टेज होगा, 200 हो सकता है, 400, 800, 900, 950, 999 कोई भी वोल्टेज को शो करने में कैपेबल होगा। ओके, और सिग्नल लाइक एनालॉग डिजिटल मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर में देखो तीन पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, एक कॉमन पोर्ट है और एक वोल्टेज के लिए एक करेंट मीटर करने के लिए, कॉमन पोर्ट सेम रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हम लोग देख पा रहे हैं ऑसिलोस्कोप, एंड ये बेसिकली क्या है, हम लोग इसको DSO बोलते हैं, DSO ये CRO दोनों टाइप का ऑसिलोस्कोप है। इसका बेसिकली काम क्या है, इसका बेसिकली काम है कोई भी सिग्नल को हम लोग जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसका उसको हम लोग इसमें देख सकते हैं, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो माने कोई भी सिग्नल को हम लोग ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DSO एंड CRO, माने विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन डिस्प्ले वेरिंग सिग्नल। हम लोग कोई भी मान लो एक सर्किट तुमने डिजाइन किया है, RL सर्किट या RC सर्किट या RLC सर्किट, कोई भी सर्किट तुम लोग मान लो डिजाइन किए, उस सर्किट का आउटपुट में सिग्नल कैसे आ रहा है,
ग्राफिकली तुम्हें देखना होगा, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग देख पा रहे हो एक स्क्रीन पे जो जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, एक साइन वेव जा रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम लोग कोई भी सर्किट का जो सिग्नल है उसको डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब कोई भी सिग्नल तुमने डिजाइन किया, आरएल सर्किट, मतलब कोई भी सर्किट डिजाइन किया, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, तो उसका जो आउटपुट जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको ग्राफिकली डिस्प्ले तुम डीएसओ के हेल्प से कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, डीएसओ के हेल्प से तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, सिग्नल को एनालिसिस कर सकते हो, उस सिग्नल को स्टोर कर सकते हो। जैसे नाम है डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, तो वो सिग्नल को डिजिटली स्टोर कर सकते हो। आवाज कट रहा आपका। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग, मैंने इसका काम क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन ग्राफिकली डिस्प्ले गाइडिंग सिग्नल। सर, सर नहीं आ रहा आवाज, कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा कि सब सब कुछ नहीं है। मशीन अगर अभी अच्छा से नहीं समझ में आएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, यस सर, सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तब अच्छा समझ में आएगा सर, सबको प्रॉब्लम क्लियर नहीं आ पा रहा है ना? नहीं सर, यस सर, सभी को हो रहा है। यस सर, प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज सभी को हो रही है। अच्छा ठीक है, अभी आएगा, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू है, इंटरनेट का इशू है, ठीक है, अभी देखो ठीक से आएगा। सर अभी जो बोल रहे हो वो भी नहीं सुनाई दे रहा सर। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? देखो मैं, हेलो, हाँ सर अभी ठीक है, अभी देखो अभी ठीक है। यस सर, अभी सुनाई दे रहा। जैसे तुम लोग स्क्रीन पे जो डिवाइस देख पा रहे हो इसका नाम क्या है, ये हम लोग ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। तो वी कैन हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन ग्राफिकली डिस्प्ले एनी सिग्नल। मान लो तुमने कोई सर्किट डिजाइन किया, आरएल सर्किट हो सकता है, आरएल सी हो सकता है, आरसी हो सकता है, उस सर्किट का आउटपुट है, आउटपुट का जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको तुम लोग ग्राफिकली का डिस्प्ले करना चाहते हो, तो इस इंस्ट्रूमेंट का विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट तुम लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या है, डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, जो सिग्नल का ग्राफिकली तुम लोग डिस्प्ले करोगे। Not only that, but उसको तुम एनालिसिस कर सकते हो मैथमेटिकली, और इस सिग्नल को तुम लोग विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इस सिग्नल को तुम लोग ग्राफिकली इसको स्टोर भी कर सकते हो। स्क्रीन का जो इंस्ट्रूमेंट तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसका जो एलईडी स्क्रीन है उसका नीचे देखो एक यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। तुम लोग इस मतलब स्क्रीन पे जो सिग्नल आ रहा है उसको अगर तुमने ड्रॉ करना है, तुम लोग इस प्रिंट आउट करना है, तो तुम विद द हेल्प ऑफ दिस यूएसबी उस सिग्नल को, सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले ग्राफिकली तुम लोग उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और इसको तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और देखो इधर पर राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नीचे देखो कुछ कनेक्टिंग नॉब दिया हुआ है, ठीक है, ये चैनल, उसके ऊपर देखो चैनल 1 चैनल 2 लिखा है, तो एक ही विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट तुम